हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, जिसके लिए मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर उसके सारा डस्ट पॉलिश जितना भी था सब निकाल लिया है, और उसको मैंने 1 घंटे के लिए इसको भीगने के। अब हम इसकी अखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच धनिया, साबुत धनिया, 1 चम्मच नमक, 4 से 5 लाल मिर्च और हरी मिर्च, 1 बड़ी प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 किलो चिकन। और गरम मसाले में हमें 2-3 तेजपात के पत्ते चाहिए, 8 काली मिर्च चाहिए, 4 से 5 लौंग चाहिए और दालचीनी के टुकड़े चाहिए और 1 जावित्री का टुकड़ा। अब हम इन सबको एक पतीले में 1 लीटर पानी डालकर मिक्स करके बॉईल करने रख देंगे। अब मैंने देखिए सारा सामान एक साथ मिक्स करके 1 लीटर पानी में डालकर सबको सामान एक साथ डाल दिया है और इसको 10-15 मिनट के लिए हमने ढककर रखकर पका दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन हो गया है, 80% तक बॉईल हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये सारा चिकन हम इस पानी में से अलग कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने पानी में से चिकन अलग कर लिया है और अब ये जो पानी बचा है अब इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको ढक के रख देंगे, इसको हम बिरयानी में यूज करेंगे। चलो अब हम बिरयानी छोकने की तैयारी करते हैं। अब हमने बिरयानी छोकने के लिए हमने 1 बड़ा पतीला ले लिया है और उसमें 5 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और हमने ये प्याज काट के रखी है। अब इसको हम गर्म होने तक इसको तेल को गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद हम ये प्याज इसमें डालेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें हमने जो प्याज काट के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें प्याज को ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। इस प्याज को बार बार हम ऐसे हिलाते रहेंगे और नई साइड से जलने लग जाती है। अब देखिए ये प्याज तैयार है, ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे ही निकालेंगे और ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने अब प्याज बाहर निकाल दिया। अभी इस तेल में हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में मैंने 3-4 तेज पत्ता ले लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा ले लिया और दालचीनी लिए 2 टुकड़े मैंने और 4 से 5 लौंग ली है और 8 काली मिर्च ली है। अभी सारे गरम मसाले हम तेल में डाल देंगे। अब इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब देखिए हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भून गया है। और 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं हमने, 5-6 हरी मिर्च ले लिए, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो चला देंगे। और जो हमने चिकन निकाला था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच धनिया ऐड कर देंगे। ऐसे मिक्स करेंगे। 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे हम इसमें, इससे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा आ जाता है बिरयानी मसाले से। और ये सबको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हमने अग्नि में भी डाला था, इसलिए हम टेस्ट करके जब डालेंगे। मैंने 2 चम्मच नमक डाला है इसमें ऐड करा। ये देखिए अभी सारा मिक्स हो गया। अब हमने चावल भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें सारे चावल ऐड कर दिए हैं और जो अब हमने ये अखनी का पानी जो हमने रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी देखिए मैंने सारा अपना अखनी का पानी डाल दिया है। अगर आपको ये पानी कम लगता है तो आप इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। ये देखिए अब मुझे सही लग रहा है। अब मैं इसे और मैंने 1 बड़ा चम्मच ये मिर्च का अचार लिया है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको ज्यादा स्पाइस खानी है तो ये ऐड करें, अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप उसको ऐड ना करें, उसको स्किप कर सकते हैं।
अब हम इसको ढककर पकने देंगे। अब हमने इसे ढक दिया है और इसे 25 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। अब हमारी बिरयानी पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, हम इसे खोल कर देखेंगे। ये देखिए सारा पानी इसका एब्जॉर्ब हो चुका है, इसमें पानी नहीं है। अब इसमें हम कलर डालेंगे, हमने ये कलर लिया है और इसमें आधा चम्मच हम कलर लेंगे। ये हमने एक चौथाई फूड कलर लिया है, इसमें दो चम्मच पानी डालेंगे। ये देखिए हमने दो चम्मच पानी डालकर इसको घोल लिया है। अब इसमें हम ये मैंने केवड़ा लिया है, इसके 3 से 4 बूंद हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है इसे। ये देखिए अब हम इसमें ये धीरे धीरे करके चारों तरफ डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी हमने अपनी प्याज फ्राई करके रखी थी, अब ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम लगा के रख देंगे और हम इसे गैस ऑफ कर देंगे। हमारी बिरयानी तैयार है। ये देखिए अब हमारी बिरयानी तैयार है एकदम, हमने इसे सर्व कर लिया है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।